सो हेलो गाइज, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube की तरफ से कुछ दिन पहले एक नया अपडेट आया था टू स्टेप वेरिफिकेशन को लेकर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को अप्लाई नहीं करते, एक्टिव नहीं करते, तो क्या आपका चैनल मोनिटाइज होगा या नहीं होगा। और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा जानकारी देने वाले हैं कि उससे क्या फायदा होने वाला है आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को लेकर। बहुत ही अच्छा जानकारी देने वाला है, उससे आपको सीख भी मिलेगा और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको अच्छी तरह से जानकारी मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन को लेकर और आज तक कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली मरतबा आए तो सबसे पहले भाई के वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई एक मेहनत करके एक वीडियो को तैयार करता है। तो सबसे पहले भाई के वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उसके साथ साथ इस चैनल पे आप पहली मरतबा है तो वीडियो के नीचे एक लाल बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि YouTube से रिलेटेड और इसके साथ साथ कोई भी नया नॉलेजेबल वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं और कुछ नए सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आपको वहां पे नहीं देखेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। और जो नया क्रिएटर है जिनका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है, तो वहां पे दिखाएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, इसको लेकर बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि अगर आप नया क्रिएटर हैं तो दोस्तों, अगर आप उसको वेरीफाई नहीं किए हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि इससे रिलेटेड मैं दो वीडियो बना चुका हूं, जो इस वीडियो को आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं और उसके साथ साथ अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, अप्लाई करके और एक्टिव कर सकते हैं, ताकि आपका चैनल भी बच जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं ऑन करते हैं तो फाइनली आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। सबके टेंशन यही था, सबके मन में यही सवाल था कि अगर इसको मैं ऑन यानी कि एक्टिव नहीं करता हूं तो क्या मेरा चैनल अप्लाई या होगा या नहीं होगा। तो आपका मोनेटाइज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था जीरो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को लेकर। अगर आपके चैनल पे एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रहेगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक वो जीरो नहीं होगा यानी कि हटेगा नहीं दोस्तों। यानी कि दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लेकर चार वो यहां पे क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर और उसके साथ-साथ 4000 घंटा का वॉच टाइम और उसके साथ-साथ कुछ दिन पहले अपडेट आया था जीरो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, यानी कि आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रहेगा तो नहीं होगा, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक आपका नहीं होगा कम्युनिटी। तो दोस्तों, उसके साथ-साथ कुछ दिन पहले, दो दिन पहले फिर से एक अपडेट आया है आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को लेकर। तो दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप अपने चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं, तो आपका चैनल बच सकता है, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करने आता है तो इस वीडियो को आई बटन में और उसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और वीडियो के आई बटन में भी आप देख सकते हैं वहां पर टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करें, वो आपको मिल जाएगा। फाइनली अपने चैनल पे टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करते तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो उसके साथ साथ आपका चैनल भी बच सकता है ऑन कर लेते हैं तो दोस्तों, क्योंकि कंफर्म हो जाता है, अपने क्रिएटर से कंफर्म हो जाता है, इसलिए दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन आ गया वहां पे। तो दोस्तों, जल्दी से जाके अगर आप नहीं किए ऑन तो जल्दी से जाके ऑन कर ले। अगर नहीं आ रहा आपको ऑन करने तो इस वीडियो का आई बटन में दे दिया हूं, मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कैसे करें, एक्टिव कैसे करें, फाइनली उसको जाकर और फाइनली अपने चैनल पे ऑन कर ले। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए यही था। अगर आपको भाई का वीडियो पसंद है तो भाई के वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक लाल बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपका भाई बहुत ही मेहनत करके एक वीडियो तैयार करता है तभी अपलोड करता है। तो आज का वीडियो आप लोग का यही था। चलिए दोस्तों, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते, जब तक के लिए बाय।